हाँ क्या 2 दिन के बाद? ठीक है, एक बात सुन के जा। जब मैं छोटा था ना, तब मैं बहुत शरारत करता था। इनफैक्ट मेरी स्कूल का सबसे शरारती लड़का मैं ही था। जब भी मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने आते ना, तब सारी टीचर शिकायतें लेके बैठ जाती। कल इसने ये किया, कल उसने वो किया, ये टीचर को परेशान किया, वो टीचर को परेशान किया, ब्ला 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 ब्ला। ये सब सुन के मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन मेरी शरारतें रुकती ही नहीं थी। लेकिन मुझे आज भी याद है मेरी 9th स्टैंडर्ड का वो दिन, जिस दिन मेरे पीछे वाले लड़के ने मुझे चालू क्लास में पेंसिल चुपा दी। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया। मैंने वेट किया जब तक मेरा वो पीरियड खत्म हो जाता। जैसे ही वो खत्म हुआ, मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और उसके पैर में दे घुसा दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं उसका मर्डर कर देता, लेकिन मैंने वो नहीं किया। सिर्फ स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसाया। मेरा गुस्सा तो कई हद तक शांत हो गया, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को फोन किया, मेरे पापा को बुलाया। मेरे पापा आए, उन्होंने जैसे तैसे करके सिचुएशन हैंडल कर ली, उसके पापा को बात कर ली और उनको मना लिया, पैसे देकर छुड़ा लिया। बट जब मैं घर पे गया ना, तब मेरे पापा ने मुझे बहुत पीटा, बहुत पीटा, लाते मारी, गुस्से मारे, बेल्ट तक नहीं छोड़ा, बेल्ट से मुझे पीटा। मैं बोलता रहा, नहीं पापा प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे लग रहा है, नहीं पापा नहीं। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। उस दिन पूरी रात रोया हूं मैं। अगले दिन सुबह मेरे पापा ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते हो गए, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। तब मैंने धीरे धीरे करके चोरी करना शुरू किया। पापा की पॉकेट में से 1 रुपया, 2 रुपया ऐसे ही चोरी करना शुरू किया। और उसके बाद स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, और धीरे धीरे पैसों के लिए मैं चोरी, डकैती, ये सब चीजें मेरे लिए मामूली थी। और उसके बाद मैंने मर्डर भी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं,